आप इधर आ जाओ, मुझे भी जरा। अच्छा तो वो क्या करते हैं, किसान है वो भी? सब ये अच्छा है। ये तीन तीन बच्चे हैं, चले जाओ आगे। मैं तो टोड की हूँ भैया। कितना पुराना है गांव? ये तो बहुत पुराना गांव है, 30-32 साल तो मेरी शादी को भी होगी। आप यहाँ ब्याह? हाँ जी। अच्छा कब से आए, कब आई थी ब्याह? 30 साल 30 साल 32 साल हो गए। अच्छा हाँ। गांव की एक प्रथा के बारे में मालूम है, जुड़वा वाली है? हाँ जी। कितने जुड़वा हैं यहाँ पे? दो तो ये है सुशांत प्रशांत जी, दो हमारे नाइयों के पड़ोस में ही है, उनकी शादी की होगी। 70 बताए गए यहाँ पे, और दो ये हुए मेरे सामने, दो हमारे दुरानी के हुए, उनके तो खत्म हो गए थे। अच्छा कभी कंफ्यूजन होता है कि जैसे सुशांत को प्रशांत समझ? हाँ हो जाए। क्या होता है? मुझे तो हो जाओ भैया, और इन्हें होता हो तो पता ना, पर मुझे हो जाओ। कभी ऐसा हुआ आपने प्रशांत को सुशांत समझा? हाँ जी। क्या समझा तो थोड़ा बताइए ना। ऐसी समझा कि कभी सब प्रशांत को सुशांत कह दूँ, सुशांत को प्रशांत कह दूँ। अच्छा। ऐसी समझा मैंने आप। जो लोग बाहर से आते हैं वो क्या कहते हैं? वे तो पूरा नाम लेते हैं इनका। नहीं हैरानी, वे भी समझता, वे भी हो जाए, कंफ्यूज हो जाए दोनों आपसे। हैरानी होती है? हाँ जी। कितनी लंबी प्रथा चली आ रही है? काफी दिनों से चली आ रही है जुड़वा बच्चों की। तो कोई वजह अभी तक समझ के आई सामने? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं आई। ममता जी कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन में ये दो जुड़वा हैं? हाँ जी। ममता जी ये बताइए कि जिस बच्चे हुए थे उस समय में कभी आपको कोई दिक्कत आई इनको पहचानने में? नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने गलती से दूसरे की जगह पहले को ही नहला दिया हो, या एक बार में एक ही बच्चे को दो बार दूध पिलाया गया हो या नहलाया गया हो? ऐसा तो ऐसा हुआ नहीं है कभी। कैसे पहचानती थी आप इन दोनों बच्चों? बस ये थोड़ा एक हेल्दी है, एक थोड़ा कमजोर है। इस ये आपने पहचान बनाई थी कि कमजोर था और एक हेल्दी। ये गांव में क्या प्रथा चली आ रही है जुड़वा? कब कितने आप देखे आपने जुड़वा? आप जब यहाँ शादी हो गई होंगी तो पता चला कि जुड़वा होते हैं ज्यादातर बच्चे यहाँ? नहीं इतना समझ आईडी नहीं था, लेकिन अब रहते रहते पता चली गया। हाँ एक दो। क्या पता चला कि जुड़वा बहुत सारे हैं यहाँ पर? हाँ काफी हैं घरों में जुड़वा। फिर कैसा महसूस होता है जब गांव के कोई बाहर से कोई आता है तो क्या कहता है कभी ये सब सुन रहे? ये कहते हैं तुम्हारे गांव में रीत चली आ रही है, सब जुड़वा होते हैं। आप दोनों जुड़वा हैं, ट्विंस हैं? यस। तो स्कूल में क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि कभी आपको अर्पित समझ लें, कभी ऐसा हुआ है? एक बार। क्या क्या हुआ थोड़ा बताओ। उसमें तीन टेस्ट पेपर किसी और को मिल गया था, अर्पित को। अच्छा अच्छा, अर्पित को टेस्ट पेपर मिल गया था, आपका टेस्ट पेपर? हम्म। अच्छा अच्छा, तो और भी कोई परेशानी होती है? नहीं। आपको पता है आपके गांव में सभी ज्यादातर ट्विंस हैं? नहीं।